फिडेल सॉफ्टटेक लिमिटेड का IPO जो मार्केट में अभी अभी लॉन्च हुआ है और इसका 5 दिन में इन्वेस्टर्स को डबल रिटर्न दिया है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ इसके बारे में, फिडेल सॉफ्टटेक लिमिटेड IPO के बारे में, एंड जिसका प्राइस था 37 रुपीज़। तो 37 रुपीज़ का शेयर्स 65 रुपीज़ तक चला गया था दोस्तों, इसका ऑलमोस्ट डबल पैसा सबको मिल गया और वो भी 5 डेज में। तो ये स्टॉक्स क्या फ्यूचर TCS बन सकता है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फिडेल सॉफ्टटेक लिमिटेड का 37 रुपीज़ में जिसने भी ख़रीदा है उसको मोटा मोटा एक प्रॉफिट मिल गया है और वो भी डबल रिटर्न इन जस्ट 5 डेज में। यस, तो ये फिडेल सॉफ्टटेक लिमिटेड एक IT सॉफ्टवेयर कंपनी है दोस्तों, इसका खुद का IT का सपोर्ट है, IT सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ऊपर से ट्रांसलेशन प्रोवाइड करता है और ऊपर से जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सपोर्ट है वो भी प्रोवाइड करता है। तो एक छोटा सा कंपनी है बट इसका जो वॉल्यूम देख सकते हो, इसका जो बिजनेस एस्पेक्ट है वो सही है, इसका काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग हो तो ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करता हूँ एंड इसका अभी देखिए कुछ डेटा तो है नहीं बट आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे कोई भी सेलर्स नहीं है, 0 सेलर्स है, सभी बायर्स है और ये कंपनी नेक्स्ट TCS क्या बन सकता है ये तो आने वाला कल बताएगा। बट अगर फंडामेंटली हम लोग देखें स्टॉक्स का, इसका जो बिजनेस है IT सब परफॉर्मेंस का वो लेकिन बहुत ही सही है। तो फिडेल सॉफ्टवेयर का एक बार हम लोग बिजनेस वेबसाइट में जाके देखते हैं कि कंपनी करता क्या है। तो यहाँ पर आ गए हम लोग फिडेल सॉफ्टटेक, यहाँ पे आप देख सकते हो एक टोक्यो बेस्ड लॉन्ग टेक कंसल्टिंग फॉर्म है, लोकलाइजेशन प्रोवाइड करता है। अगर हम लोग यहाँ पे इस वेबसाइट में जाते हैं और इसके जो बिजनेसेस है वो अगर देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, डेस्कटॉप मोड से मैं यहाँ पर इसका जो मोबाइल वर्जन है वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये जो फिडेल सॉफ्टटेक लिमिटेड एक कंपनी है एक्चुअली बेस्ड इन जापान, ठीक है, ये IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका सर्विसेज एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर, यहाँ पे ये लोग कौन सा टेक्नोलॉजी लोकलाइजेशन एंड जापान एशिया में इसका मार्केट है, बायलिंगुअल स्टाफिंग प्रोवाइड करता है, डेवलपमेंट करता है, PDAS सर्विस प्रोवाइड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है, मेनली लोकलाइजेशन का एंड सर्विस नाउ का ये सर्विस प्रोवाइड करता है। तो एक्चुअली ओवरऑल ये IT सर्विस बेस्ड कंपनी है, इसका डेटा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में काम करता है। तो इसका कंपनी का जो फंडामेंटल है काफ़ी सॉलिड है दोस्तों, जापान बेस्ड है एंड ये फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न भी दे सकता है। तो ये ऐसे IT रिटर्न कंपनी आपका अगर देखेंगे कि कौन सा इसका क्लाइंट्स है, अगर क्लाइंट्स की तरफ हम लोग देखेंगे तो देख लेते हैं कौन सा क्लाइंट लिस्ट है कंपनी के पास। तो इसका क्लाइंट लिस्ट आप यहां पे देख सकते हो, पर्सियल लिस्ट जो है यहां पे क्लाउड असिस्ट है, फिर उसके बाद NTT कम्युनिकेशंस, स्टॉक वेदर के IBM भी है इसका बहुत बड़ा एक क्लाइंट्स एंड बहुत सारे अदर क्लाइंट्स जैसे डाईटेक हो गया, सर्विस नाउ हो गया, ये सारे कंपनीज को ये लोग ये जो कंपनी है फिडेल सॉफ्टटेक इसका लैंग्वेज प्रोवाइड करता है, ट्रांसलेशन सर्विस प्रोवाइड करता है एंड इसका और भी काफ़ी सारा सर्विसेज है, यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा सर्विस कंपनी प्रोवाइड करता है। तो काफ़ी सारा उम्मीद है इस स्टॉक से, आप भी थोड़ा सोच समझ के यहाँ पे रिसर्च कर कीजिएगा, रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, ऐसा नहीं मैं बता दिया और आपने जाके पैसे लगा दिया, ऐसा बिल्कुल होगा नहीं दोस्तों, करना भी नहीं चाहिए। बट हमारी टीम थोरोली रिसर्च करता है तभी जाके वीडियो बनाता हूँ मैं एंड आप लोगों का पैसा बिल्कुल सेफ गार्ड अगर होना है तभी हम लोगों का अच्छा लगेगा, बाजार में पैसा बनाना है, पैसा गंवाना नहीं है। तो ऐसे छोटे मोटे कंपनी के साथ निवेश करने से अगर अच्छा खासा रिटर्न मिलता है तो बिल्कुल कीजिए, ये एक्चुअली स्पेनिश स्टॉक्स नहीं है, IT सॉफ्टवेयर का कंपनी है, छोटा स्टॉक्स, हाँ फ्यूचर में ज़रूर TCS बन सकता है बट बहुत टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें, लॉन्ग टर्म में अगर निवेश रहेंगे तो आपको भी अच्छा खासा रिटर्न इस स्टॉक से मल्टीबेगा रिटर्न भी मिल सकता है। आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइए और फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट कर रहे हो तो चैनल को बिल्कुल सपोर्ट करना ना भूले एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।